आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेप अप जेसर पर। और आज हम आए हैं दलजीत सियाग जी के घर पे और उनके गांव में। तो ये आप देख लीजिए, हम आ गए उनके घर पे। और दलजीत भाई को आप सभी जानते होंगे, जाट आरक्षण मामले में जो ताउमर की जेल में सजा काट रहे हैं। तो आज उनसे मिलेंगे, थोड़ी बातें करेंगे उनका, आखिर क्या कारण रहा उनका जेल में जाने का और क्या कुछ सफ़र है अब तक का। तो दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हो भाई दलजीत जी बैठे हैं और उनके दोस्त बैठे हैं, तो उनसे करेंगे बातचीत आखिर क्या रही उनकी बात। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। अच्छा, आपका जो सफ़र रहा जेल में जाने का, तो एक तो उसके बारे में पूछेंगे, वो तो छोड़ो सारी बात, सबसे पहले आप पूछेंगे जो आपके पिताजी हैं उनकी हालत कैसी है। भाई पिताजी की हालत तो फिलहाल वैसे ही है, दवाई दे रहे हैं, लगातार टेस्ट करने लग रहे हैं, ऑपरेशन स्थिति में अब तक डॉक्टर नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब ताउम्र की सज़ा मिल गई है। हाँ, नेचुरल डेथ यानी जब तक जीऊँगा तब तक जीऊँगा। अच्छा, तो आपने नहीं लगता आपने या आपने कम सज़ा, आपके परिवार ने ज़्यादा मिल रही है सज़ा, जो कर मान लो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपने पहचानते भी नहीं, तो आपने नहीं लगता इसका आपने कम सज़ा आपके बच्चा ने आपके परिवार ने ज़्यादा मिल रही है। नहीं, यह सज़ा तो जी मेरे परिवार ने नहीं, तो पूरा समाज ने मिल रही है, क्योंकि सबको पता है कि भी जो ये चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। तो सज़ा तो फिर जब एक आदमी ने मिले तो उसके साथ जितने जुड़ा हुआ, चाहे उसका भाईचारा हो चाहे उसका परिवार हो, सभी को ज़्यादा बल्क उनको ज़्यादा तकलीफ। हम तो क्या जेल में रहा भाई, जो बाहर मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तकलीफ तो उन्हें ना। अच्छा, आप मतलब टोटल 24 या 25 लगे थे केस, तो उनमें से कितने मेरी फुल टोटल जाट आरक्षण के मुकदमे 24 मुकदमे लगे थे, जिसमें तो 21 मुकदमे हमें बायजीत कोर्टन माननीय कोर्टन भरी कर दिया, दो मुकदमे हमें कोर्टों ने मुझे यहाँ एस आर कोर्ट से सज़ा मिली हुई, एक में 5 साल की, एक में नेचुरल डेथ है, एक मुकदमा 80 न्यायालय में विचाराधीन है। और जो सज़ा वाले मुकदमे हैं इनकी हमने हाई कोर्ट में अपील कर दी, जो माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है फिलहाल। एक सोशल मीडिया पे भाई साहब चुगर दे बात फैल रही है, इस मंत्री ने छुटवाए हैं भाई की मतलब पैरोल न करवाई उन न करवाए, तो इस पे क्या कुछ कहना है, किसी मंत्री का हाथ है कि मतलब कोर्ट ने करे आयो ना? इसमें किसी भी मंत्री का या किसी भी संतरी का या किसी भी अफसर का कोई हाथ को नहीं, यो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय के अनुसार उन्होंने हमें 28 दिन की पैरोल प्रदान की है। तो आपने एक CBI की भी मांग करी थी भाई साहब, आपने आपका साथ आपके पूरे गाँव ने भी दिया था, तो उसका कोई जवाब मिला आपने या फिर नुए रफा दफा कर दिया? नहीं, वो तो हमने 19 जगह पूरे गांव ने एफिडेविट लेके लिख के भेजा था, 42-45 हज़ार के करीब जनसंख्या हमारी, तो सभी लोगों ने 22 बिरादरियों के लोगों ने साइन करे थे उस एफिडेविट पर, बच्चों ने भी साइन किए थे। अच्छा, एक यशपाल मलिक जी थे जो मतलब पैसा भी बहुत ले गए, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहो आप? वो बोल रहे थे कि भाई सारे बच्चे ने छुटवाएंगे, उनके हक में लड़ाई करेंगे, उस पर कुछ होया नहीं, क्या कहना चाहो? ना फिर उनकी लड़ाई तो जारी है जी, सारे बच्चे कड़े छुटे हैं, वो लड़ाई जारी कर रहे हैं, अपने ही फिर काम शुरू कर दिया, अपना चंदा लेंगे, इकट्ठा करेंगे, बड़कान छुटवाओगे, उनका काम में यू है। पिछले इलेक्शन 2017 में किया था, 2017 में सारे धरने इस बात पर दिए गए थे कि बस जितने बच्चे जेड़ा में है उन्हें छुटवाओगे, उनकी पैरवी कराएं, चंदा इकट्ठा भी इसे बात पर कराया गया था, लेकिन उन्हें कराया के ना तो बालकें पैरवी करी, ना किसी ने जेल में मिलन गए, ना किसी परिवार के दौरे घर जाके पूछा, ना किसी बालक के वकील करे, ना को पैरवी करी। उन कहते हमारे कमेटी के वकील है, उन्हें नू भी कौन बेरा जिनके मुकद मिला कर उनके घर क्या ना, अब कमेटी के वकील ना इनाम के हैं। ये हादसे तो कई भी मेरे साथ भी घटित हुए हैं, मतलब मैं तो इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ। हाँ, वो फिर बाकी बोला हमने संस्था बनाई, धीरे संस्था तो समाज ने आज तक जाट समाज ने हजारों संस्थाएं बनाई है, समाज जब संस्था का नाम आता तो खुल के चंदा देता है, उन जो बच्चे खातर जो भविष्य खातर जो आरक्षण के लिए चंदा इकट्ठा करा था उसमें संस्था में लगा दिया, और संस्था के कानून पढ़ो उनके, तो ये सब पैसे खाने के डोम कर रहे हैं और इतने आरा कुछ नहीं। अब फिर कह रहे हैं बोला 24 उसने दिसंबर दे बोला फिर चालू करें, तो ये सब पैसे खाने की दुकान है, समाज का भाईचारा खराब करने के अलावा इन आदमियों का और कोई काम नहीं है, समाज की तेजी नहीं है। अच्छा, आपने एक सभा चालू करी थी हिंदू जागो सभा कुछ इस करके, के कुछ थी वहाँ? जी मैंने कोई सभा चालू नहीं करी, वो हिंदू महासभा का संगठन का प्रभार था। अच्छा, प्रभारी हो आप? हाँ, तो उसके बाद मेरे को एक हिंदू जागो समिति गठित करी गई थी पूरी ऑल इंडिया की, उसका अध्यक्ष बनाया गया था, उसका मतलब समिति के अनुसार मैंने हिंदू जागो अभियान के प्रोग्राम करे थे प्रदेश में। तो एक और करा था आपने मतलब नशा मुक्तकरण खातर, उस पर क्या कुछ कहना चाहो? मान लो समय वगैरह का आप बोल रहे थे बंद भी हो गया, कई वीडियो हम देखा मैंने, तो उसमें क्या कुछ कहना उस बारे में? नहीं, उसमें तो जी स्पष्ट बात थी, अपना 2015-16 में समय का बड़ा प्रकोप हो गया था अपने इस एरिया में, तो उस बात प्रशासन भी परेशान था, आम पब्लिक भी परेशान थी कि समय की जगह जगह डा कर देखो या किसी का कि मैं चोर ले गए किसी का, तो वही था कि गाड़ में अगर टूटी भी मिल जाए नहीं तो उसने भी खोल ले जा कर दे,
तो उस करके फिर उनको प्रशासन के साथ मिलकर और अभियान चला था जो बड़ा कागजर साबित हुआ था। तकरीबन एरिया समय के उस टाइम हमने बंद करा दी थी। तो भाई साहब आप सरकार से मतलब के अपील करना चाहो? नहीं जी, मेरी तो सरकार से और समाज से और भाईचारे सभी से एक ही अपील है, पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों, उसमें चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई राजनीतिक आदमी हो या फिर प्रशासनिक अफसर हो, सबसे ये अपील है भाई, जो हरियाणा में एक भाईचारे में खाई पड़ गई है जात पात की, उसे मिटाने का काम करो। आप भाईचारे में प्यार प्रेम बढ़ाओ। जो भाई हरियाणा हमारा पहले जाना जाता था दूध दही का खाना, भाईचारे की वजह से आज वही चीज़ हमें हरियाणा में वापस चाहिए है। तो इसके लिए जितना सरकार कर सकती है, जितना प्रशासनिक अफसर कर सकते हैं या जितना आम जन मानस कर सकता है, उतनी कोशिश करनी चाहिए और इस भाईचारे को बहाल करना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मैं अंदर चला गया तो कोई बात नहीं, पर भाईचारा अपना कायम रखना चाहिए सबको। अच्छा अच्छा, तो इन सब तो हटके अब तो मान लिया आप भी बाहर आ रहे हो, आपने भी देखा होगा एक रेप हुआ था हैदराबाद में, तो उसमें पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, वह जो चार आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया, इस पर कुछ कहना आपका? पता गया जी, उन काम में ऐसा कर रखा था, बड़ी अच्छी बात करी है पुलिस ने कि आज देश भी मानना है, हमें हमारा कानून जिंदा है, उनका जो असर होया उनका यही असर अच्छा है। अच्छा, कई जगह भाई साहब नो कह रहे हैं कि जो सरकार ने खुद करवाया है, मतलब जो पब्लिक की डिमांड थी एक फांसी देनी चाहिए तो फांसी नहीं दी, उसकी जगह एनकाउंटर करवा दिया, फांसी बोला इसलिए नहीं दी जो ये राम रहीम बाबा जी हैं और भी बाबा जी हैं इनके कारण नहीं दी, कदे फिर इनते भी देना पड़े, इनते भी फांसी देनी पड़े। भाई फांसी देने के लिए संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, संविधान के एक्ट के अनुसार चलना पड़ेगा, तो फांसी में जो प्रोसीजर है वो देते देते इतना टाइम लग जाए है जिसका मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो वो समाधान नहीं, उसके बाद आदमी के निकलने के रास्ते अनेक हो जाए। तो इसलिए जो ये फैसला है ऑन द स्टॉप सपोर्ट, इससे बड़ा फैसला अपने गवर्नमेंट दे ही नहीं सकते। फैसला बहुत बढ़िया है लेकिन ये सभी के लिए लागू, तो ये तो ठीक है पब्लिक में, ठीक है शोर शराबा ज़्यादा हो गया, पूरा हिंदुस्तान ने आवाज़ उठा दी, अब इन्हें सजा दो, तो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सरकार ने चलिए इनको सजा दे दी, लेकिन ये कानून चाहे तो प्रावधान बनाने चाहिए कानून में ऐसे, अब ठीक है विदेशों में दुबई में अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है तो सरेआम पब्लिक के बीच में माना है। अच्छा अच्छा, तो चलो यह बात भी ठीक बताई आपने। ये बात फिर आपके ऊपर आ जाओ, एक बात बताओ आपका जो शायद मैंने गांव में भी बात भी करका था मैं पीछे है, सरपंच बनाने की और बात हुई थी आपकी, उस पर क्या कुछ कहना है? नहीं जी, पहली बात तो मैंने कदे सरपंच मेंबर बनने की सोची नहीं, ना कदे सोचो। अच्छा, आपने तो नहीं सोची, मतलब गाँव वाले कह रहे थे? नहीं, हमारे गाँव में सरपंच ही खत्म हो चुकी फिलहाल। अच्छा, खत्म होगी? हाँ, चेयरमैन पहले कभी हुई होगी बात है? पहले बात हुई होगी कभी? नहीं, पहले भी मतलब चलता रहे, वो तो समाज के लोग हैं, पहले भी कोशिश रही। अच्छा, राजनीति तो दूर हो आप? नहीं, मैं कभी भी राजनीति में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता। अच्छा, होना ही नहीं चाहते। अगर मान लो ये आपके सारे केस मतलब सरकार इसने कोर्ट ने हटा दिए और फिर आप घर आ गए, तो उसके बाद आप इलेक्शन लड़ना चाहोगे? मान लो कोई गाँव या आपका समाज आप तक कहे तो? नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है भाई साहब, आपने आप बाकी अपनी राय बता दियो कमेंट्स में, और जो सवाल रह गए तो वो भी बता दियो, हम फिर आ जाओगे बाद में, वह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई।